नमस्ते दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एक असिस्टेंट से आप कैसे सर्वेयर बनेंगे कॉलेज से पास आउट होने के बाद। कॉलेज से आईटीआई नहीं तो डिप्लोमा कुछ भी आप लोग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपका क्या काम है। तो कॉलेज से आप लोग पास आउट हो गया, सिंपली मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बहुत ही जल्दी एक सर्वेयर बना हूँ, वैसे ही मेरा प्रैक्टिकल, मेरा खुद रियल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप लोग क्या करना, कॉलेज से पास आउट हो गया आईटीआई नहीं तो डिप्लोमा करके, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली एक छोटा कंपनी में जाना है। 5,000-6,000 सैलरी होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर छोटा कंपनी में जाइए, क्योंकि अभी ज़्यादातर जो प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ, अभी ज़्यादातर एजेंसी है। मान लीजिए आप कंपनी में जाएंगे, सोचेंगे ना, ज़्यादा कंपनी भी नहीं है, 20% कंपनी है आज का डेट में, बाकी सब एजेंसी में ही आपको काम करना पड़ेगा। तो एजेंसी में जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ सिंपल सा ज्वाइन कीजिए छोटा कंपनी में। उसके बाद आपने क्या किए, सर्वेयर को ऑब्जर्व कीजिए, फील्ड में देखिए सर्वेयर का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, सर्वेयर कैसे क्लाइंट के साथ बात करता है, ड्राइंग को कैसे स्टडी करता है, काम में कितना स्पीड के साथ कर रहा है, वो सब ऑब्जर्व कीजिए और डायरी में नोट कीजिए डेली इवनिंग में। उसमें क्या होगा, आपका सेल्फ डेवलपमेंट होगा, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट होगा, स्पीकिंग स्किल भी डेवलपमेंट होगा। उससे आपका क्या फ़ायदा होगा मैं बोल रहा हूँ, सिंपल आप जब एक सर्वेयर बनेंगे उसमें आपका बहुत ही हेल्प होगा, क्योंकि क्लाइंट को समझाना पड़ता है, जो काम आपने कर दिया उसको डिस्कस करके समझाना पड़ता है, तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प होगा। उसके बाद आपको फॉलो करना है, 2-3 महीना टारगेट लेना है, उसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट सीखना है, 1-2 महीना लेना है ऑटो कैड का ड्राइंग सीखना है, ऐसे टारगेट करके मैं एवरेजली 4 मंथ पकड़ रहा हूँ। 4 मंथ अगर आप दिन रात एक करके मेहनत करेंगे ना, मैं गारंटी के साथ लिख के भी बोल सकता हूँ आप एक अच्छा सर्वेयर बन जाएंगे, क्योंकि मैं खुद ऐसा फॉलो किया तो भी मैं बोल पा रहा हूँ अभी आप लोगों को। तो मैंने क्या करता था, साइड से काम करके आया, खाना भी बनाना पड़ेगा, खाना बनाया खाया, उसके बाद बाकी लोग सो जाएगा, आपका टाइम शुरू होगा तब। उसके बाद आपने डायरी लेके एक एक आज क्या किया, आज क्या सीखा, कल जो नहीं सीखा था आज क्या सीखा, उससे एडवांटेज, तो उसमें आप लोगों को बहुत ही डेवलपमेंट होगा अंदर से, ठीक है। डेली ऑब्जर्वेशन कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको फ्यूचर में काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा। तो कॉलेज से पास आउट होके 10,000-12,000 के लालच में आप लोग जो बड़ा कंपनी में जाते हैं ना, उसके लिए आपका 2 साल नहीं तो 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल आपका ख़राब हो जाएगा। तो उसमें वही 4-5 महीने आपने मेहनत किया 5,000-6,000 सैलरी में, उसके बाद एक अच्छा कंपनी में जूनियर सर्वेयर ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको 14-15,000 नहीं तो 13,000-15,000 मिलेगा, उसमें भी फिर काम सेम 2 महीना और काम सीखिए। तो 2 साल 10,000 पाने से अच्छा है 4-6,000 कमा लो, उसके बाद 15,000 करके 2 महीना कमा लो, उसके बाद उधर ही वो कंपनी में आप डेवलप करते जाइए, आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा और आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होगा। तो बेसिकली यही बोलना चाहता हूँ इसी आज का वीडियो का, अगर एक लाइन में मैं क्लोज करना चाहूँगा टॉपिक को, तो आप आईटीआई करने के बाद छोटा कंपनी में जाइए, 3-4 महीना मतलब अपना जान लगा दीजिए उस काम के लिए, सीखने के लिए। उसके बाद अपने एक जूनियर सर्वेयर ज्वाइन कीजिए, ऐसा नहीं, एक चीज़ ध्यान पे रखिए, इतना सीखा समंदर में कूद गया ऐसा नहीं, एक एक चीज़, पहले तालाब में स्विमिंग करना सीखो, उसके बाद रिवर में, उसके बाद समंदर में छलांग लगाओ ना। तो आप लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का डिसेक्शन ओरिएंटेशन करने के बाद आपको लगता है मैं पूरा काम सीख गया, जाके सर्वेयर ज्वाइन कर दिया, उधर 250 पॉइंट आउट कर दिया, इधर 300 mm आउट कर दिया, कंपनी का लॉस कर दिया, पेमेंट नहीं मिला उनको भी, आपको भी सैलरी नहीं मिलेगा, छोड़ दिया, नाम खराब हो गया आपका।
ऐसा मत कीजिए, धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप जाइए। ऐसा नहीं कि आपको इतना सक्सेस एक दिन में मिल जाएगा, कभी नहीं पॉसिबल है। आपको मैं यही बोलूँगा, दिन रात एक मेहनत करेंगे, उसके बाद आप छोटा तालाब में स्विमिंग सीखिए, उसके बाद नदी में, उसके बाद समंदर में जाइए ना। आप लोग क्या करते हैं डेली, क्या करेंगे, पैसा चाहिए पैसा 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 करते रहेंगे पूरा। एक ही बार में आपको लगेगा आप एक ही दिन में 20,000 सैलरी कमा लेंगे, ऐसा होता ही नहीं है प्रैक्टिकली आप अगर समझेंगे तो। तो आज का टॉपिक बेसिकली ये था, आईटीआई किया, छोटा कंपनी ज्वाइन किया, दिन रात मेहनत किया, एक पूरा काम को एक्चुअली बारीक से प्रैक्टिकली सीखा, ऐसा नहीं कि कागज़ कलम पे, प्रैक्टिकली सीखा, क्योंकि उसमें ही आपको पैसा आने वाला है, उसके बाद आप सर्वे ज्वाइन कीजिए। तो एक ना एक दिन मैं 100% बोल सकता हूँ, अगर यही स्टेप फॉलो करेंगे ना, आपको अच्छा सर्वेयर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कॉलेज से पास आउट है और जिसका काम सीखने का जुनून है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो अभी डिसलाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल में कोई नया विजिटर आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा यही मतलब होता है आपको एक अच्छा सर्वेयर बनाऊं और बारीकी से आपको काम सिखा के फील्ड में आपको स्टैंड करा दूं, यही मेरा मकसद होता है। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद।